के सांसद रंजीत रंजन निर्मली अपने भ्रमण के दौरान एक क्षेत्रीय कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उनका हाल जाना। वहीं सांसद रंजीत रंजन निर्मली ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियां आज पढ़ लिख कर ऊंचे मुकाम हासिल कर रही हैं और किसी भी मामले में बेटियां आज बेटों से कम नहीं है, लेकिन दहेज के कारण हमारे समाज की सोच आज भी कुंठित है। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद छात्राओं से कहा कि वे किसी भी हाल में दहेज लेन देन करने वाले परिवार से दूर रहे, यहाँ तक कि अगर उनके पिता लड़के वाले को दहेज देने की बात करते हैं तो वो उनका विरोध भी करे, संभव हो तो वैसे शादी का भी विरोध करे। अगर कोई दहेज मांग रहा हो तो मैं अपने अभिभावक को साथ मना कर दीजिए, जो दहेज मांगने वाले हैं वो हमारा पति नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम लड़ाते हैं हम सक्षम हैं, और पुरुषार्थ की अगर बात होती है तो जो लड़का दहेज लेके हम इंजीनियर बने, हमें 20 लाख लगा प्राइवेट में डॉक्टरी किए, जमीन बेच 1 करोड़ दिए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? शादी में लड़की वाली। तो अगर लड़की ही आज की पढ़ाई का खर्च लेकर आएगी तो पुरुषार्थ किसमें हुआ? लड़का में हुआ कि लड़की में हुआ? लड़की में हुआ। जब तुम्हारा पढ़ाई का खर्चा भी वही लेके आएगी तो आपका सम्मान करेगी? उसका दूसरा समाधान क्या है? अगर लड़का लड़की दोनों कमा रहे हैं तो दोनों अपना खर्चा उठा लेगा, उठाएगा ना? ये काम कीजिए, सब बोझ लड़की के पिता को मार देगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की पढ़ाई के साथ साथ ये शिक्षा बहुत जरूरी है कि आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है। दहेज प्रथा एक सामाजिक बीमारी है जो कि आजकल समाज में काफी रफ्तार पकड़े गति कर रहा है। ये हमारे जीवन के मकसद को छोटा कर देने वाली प्रथा है। ये प्रथा पूरी तरह इस सोच पर आधारित है कि समाज के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पुरुष ही है और नारी की हमारे समाज में कोई महत्व भी नहीं है। समाज को इसका विरोध करना चाहिए ताकि समाज में सबको बराबरी का मौका मिले। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुभाष चंद्रा की रिपोर्ट।